तो अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाफ हार के बाद बौखला उठे श्रीलंका के खिलाड़ी, भारतीय टीम पर बेईमानी के गंभीर आरोप लगाते हुए दे दिया दिल दहला देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले मैच में भारतीय टीम को जीत मिल गई है, जिसके बाद श्रीलंका के खिलाड़ी बौखला गए हैं। इस बीच वानिंदु हसरंगा, कुशल मेंडिस से लेकर मथिशा पतिराना, महेश तीक्ष्णा ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को इस मैच के अंदर किस खिलाड़ी के दम पर जीत मिली है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम को 43 रनों से हरा दिया है। दरअसल इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। हालांकि अब इसका पीछा करने के लिए आई श्रीलंका की टीम ने लक्ष्य को बड़े आसानी से अपने नाम करने का प्रयास किया, लेकिन अंतिम समय पर लगातार विकेट गिरने के कारण भारतीय टीम इस मैच को 43 रनों से जीत गई। और ऐसे में भारतीय टीम के खिलाफ मिली हार के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों ने भड़काऊ बयान दिया है, जिसमें वानिंदु हसरंगा ने कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में जीत मिल चुकी है, लेकिन श्रीलंका की टीम को इस मैच में पूरी तरीके से हार का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि इस मैच में श्रीलंका की टीम ने शुरू में भारतीय टीम को पीछे छोड़ते हुए लगभग जीत दर्ज कर ली थी, लेकिन भारतीय टीम इस मैच में बेईमानी के चलते मैच को अपने नाम कर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के खिलाड़ी अगर श्रीलंका की टीम के खिलाफ अंतिम समय पर बेईमानी नहीं करते तो इस मैच में हमारी टीम को आसानी से जीत मिल सकती थी। इतना ही नहीं, अंपायर ने पक्षपात करते हुए इस मैच में श्रीलंका की टीम को हार का सामना करवाने के लिए मजबूर किया, जिसके चलते आज के दिन भारतीय टीम को हमारी टीम के खिलाफ शानदार जीत मिली है। तो वहीं कुशल मेंडिस ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ जीत मिल गई। हमारी श्रीलंका की टीम ने इस मैच में काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन भारतीय टीम ने कुछ खास प्रदर्शन भी नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में भारतीय टीम अंपायर के पक्षपात के चलते जीत मिली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैच के अंदर कई ऐसे मोमेंट थे जहां पर अंपायर ने भारतीय टीम को सपोर्ट करते हुए अंपायर कॉल कर निर्णय दिया है, जिसके चलते भारतीय टीम को फायदा हो गया और भारतीय टीम इस मैच में हमारे श्रीलंका की टीम के खिलाफ हावी हो गई। और ऐसे में आज के दिन भारतीय टीम के खिलाफ हमारे श्रीलंका की टीम को मिली हार के बाद मैं काफी ज्यादा नाखुश हूँ। तो वहीं मथिशा पथिराना ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में जीत मिल चुकी है। हालांकि इस मैच में हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन हमारी टीम इस मैच को अपने नाम नहीं कर पाई है, जिसके चलते हमारी टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और हमारी टीम इस मैच को हार गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया था, लेकिन श्रीलंका की टीम इस मैच में बेईमानी के चलते हार गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि अंपायर ने ज्यादा समय श्रीलंका की टीम को हराने के लिए भारतीय टीम के साथ पक्षपात किया, और अगर ऐसा ना होता तो हमको आज अच्छे तरीके से जीत मिल जाती। तो वहीं महेश तीक्ष्णा ने कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ इस मैच के अंदर जीत मिल चुकी है। हालांकि इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हमारी टीम ने भी कुछ खराब प्रदर्शन नहीं किया है, बल्कि हमारी टीम के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया और सभी को बता दिया कि ये टीम अपने प्रदर्शन के जरिए सभी को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने आज इस मैच के अंदर अंपायर के पक्षपात के चलते जीत दर्ज की। अगर आज अंपायर भारतीय टीम के पक्ष में कुछ फैसला नहीं देते तो शायद भारतीय टीम को इस मैच के अंदर जीत दर्ज करने का मौका नहीं मिलता और हमारी टीम को इस सीरीज के पहले मैच में शानदार जीत मिल सकती थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में भारतीय टीम के जीत के असली हीरो कौन रहे, कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले।